हे गाइस, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। और मैं हूँ संजय और आप देख रहे हैं संजय के व्लॉग्स। और आंखों पे मत जाना, शकल पे मत जाना, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही सो के उठा हूँ और अभी टाइम हो रहा है 9:18। इतना लेट से क्यों उठा, इसीलिए क्योंकि कल रात को वीडियो एडिट कर रहा था और उसके बाद से जो वीडियो एडिट करना, फिर रेंडरिंग किया, रेंडर करने के बाद अपलोड भी किया और अपलोड करने का शेड्यूल में डाल दिया उसको। तो दो वीडियो एडिट किया, दोनों वीडियो अपलोड किया, इसलिए लेट हो गया सोने में। तो और अभी हो रहा है 9:18 और मैं उठा 8:30 बजे और अभी 8:30 हुआ है। और अभी हम लोग जाएंगे, मैं जैसे बोल रहा था वीडियो में, अभी हम लोग जाएंगे सी बीच और सी बीच में जो है एंजॉय करेंगे। उधर ही डिनर वगैरह का लंच वगैरह का प्लान है और बस अभी निकलते हैं घर से, मतलब रेडी हो चुका हूँ मैं। और कल रात को यार एक मैंने मेरे जो गोप्रो है, मैं सोचा था आपको मोटो व्लॉग दिखाऊंगा, करूंगा मोटो व्लॉग तो, पर गोप्रो मैंने चार्जिंग पे बिठाया था पर वो ऑन नहीं किया। रात में जल्दीबाजी में मैं सो गया, फिर अभी जितना चार्ज बैठा है अभी, और उसमें मोटो व्लॉग नहीं हो पाएगा। मैं आपको डायरेक्ट मिलूंगा सी बीच पे, और सी बीच पे कौन कौन आ रहे हैं वो आपको देखने को वहीं पे मिल जाएंगे। तो चलते हैं फिर सी बीच की तरफ और एंजॉय करते हैं आज का दिन। सो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सी बीच में और पीछे देख पा रहे हो टेंट जो है लग चुका है और सी बीच में पहुंच चुके हम लोग। और सबसे खेद है क्योंकि मेरे हेलमेट में जो है गोप्रो नहीं लगा, क्योंकि चार्ज नहीं था उसमें, तो मैं आपको रास्ता नहीं दिखा पाया। और अभी हम लोग सी बीच एक बार पीछे चेकआउट करो, कतई जहर। और हम लोग के जो भाई लोग हैं सब यहाँ पे हैं और देखो टेंट भी लग चुका है। और आशुतोष बताएगा आज का राइडिंग मतलब कैसा क्या रहा, हम लोग कहाँ से आए, यही दोनों ही सबसे अच्छे से बोल सकते हैं, सही ना? यस यस यस, दोनों का गाड़ी ही वैसा है तो इनके गाड़ी जो पूरा मक्खन की तरह चला रास्ते में वो तो हस्कवर्ना में ऑफ रोडिंग कैसे किया होगा वो आप लोग सोच लो। वो उनके पास एक्चुअली हस्कवर्ना और आरवन भाई पे, वो लोग कैसे ऑफ रोडिंग किए होंगे आप लोग सोच लो मैं और कुछ बोलूंगा नहीं बस हंसी आ रहा है मेरे को तो बस यही है। अभी थोड़ा यहाँ पे हम लोग टाइम स्पेंड करेंगे और देखो फोटो वगैरह खिंचवाएंगे। भैया तो ड्रोन लेके आए हैं, वे कतई पूरे कतई जहर बना देंगे आज का दिन। और कोई नहाएगा क्या, किसी का प्लान है? बाथरूम नहीं है ना बाथरूम का क्या जरूरत है, हमें तो समुद्र इतना बड़ा पड़ा हुआ है और क्या चाहिए। नहाने के बाद जो नमकीन वाला पानी वो जो टैन देगा अभी आधा घंटा हो गया हम लोग यहाँ बैठे थे टेंट के अंदर और कुछ स्नैक्स वगैरह खा रहे थे। और अभी ड्रोन उड़ा रहे हैं, ड्रोन ऊपर है, आप लोगों को नहीं दिखेगा। और अभी मेरे को नहाने का मन कर रहा है पानी देख के, ये लोग पता नहीं नहाएंगे कि नहीं नहाएंगे, पर मेरे को मन कर रहा है नहाने का बहुत ज़्यादा। और आपको ले चलता हूँ हमारा जो टेंट हम लोगों ने जो बिठाया है यहाँ पे उसके पास। और ये सब सामान को सब इग्नोर करो क्योंकि ये सब ऐसे ही रहता है। और यहाँ पे हमारे पायलट जो है पूरा बिजी है ड्रोन में। और ये भाई साहब जो कट्टा लेके आए, कट्टा वो देखा। तो एक बार ये देखो फुटेज, देखा कड़क, मतलब व्यू देख रहे हो मतलब गजब। और मैं भी कुछ ड्रोन का जो फुटेज है मैं डाल दूंगा आप लोगों को देखना, और कमेंट में जरूर बोलना आपको ड्रोन फुटेज है सिनेमेटिक्स कैसे लगे। तो बस यही है, अभी यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मजा आ रहा है। और अभी धूप था और धूप अभी कम हो चुका है तो मज़ा आ रहा है। एक्चुअली मैं बहुत दिनों से काम कर रहा था, काम और इतने बाद जो है राइड पे निकले हैं, मतलब वीकेंड्स नहीं, छोटा मोटा जो है थोड़ा
टहलने के लिए आ गया है, घर के पास ही है। तो बस यही था आज का वीडियो में, और आगे भी मैं अपडेट्स देता रहूँगा। अभी हम लोग लंच भी करेंगे, वो कहाँ करेंगे हम लोग को अभी नहीं पता, बस करेंगे। सो अभी हम लोग जो है सी बीच के साइड में है, और हम लोगों ने जो है टेंट अपना यहाँ बिछा लिया, और बाइक वगैरह यहाँ पे है हम लोग का, और एक्चुअली भी हम लोग ड्रोन शूट ले रहे हैं कुछ क्रिएटिव, तो उसके वजह से जो हम लोग गाड़ी यहाँ पे रख चुके हैं, और भैया जो है यहाँ पे ड्रोन शूट निकाल रहे हैं फुटेज, और वो सब जो है आपको देखने को मिल जाएगा। और हम सबका जो इंस्टाग्राम आईडी है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेंगे, वहाँ पे एक क्लिक करो और सब लोग को फॉलो करो, और सब लोग को फोटो देखो, वहीं पे सबका फोटो मिलेगा। अभी आपको सी बीच घुमाने के लिए लाया हूँ, और इधर एक बहुत बड़ी हुई जगह है, तो मैं सोचा आप लोगों को घुमा दूँ थोड़ा इधर। और इस सी बीच का नाम जो है पार्की सी बीच है, तो मैं सोचा आप लोगों को दिखा दूँ थोड़ा। इस तरह का गजब लोकेशन है, एक नंबर, मजा आ रहा है। तो यहाँ से जो है रिटर्न चलते हैं, तो आपको दिखाने के लिए जो है मैं आया था। और ये जो बाइक देख रहे हो, ये बाइक है विटपिलियन, हम लोग का हस्कवर्ना, और एक नंबर बाइक है, मजा आ रहा है, कैफे रेसर है। कतई जहर, और गोप्रो अभी चार्ज हुआ मेरा, और तो सोचा आप लोगों के साथ शूट करूं, और फुटेज आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बोलना। और अभी ड्रोन फुटेजेस आपको कैसा लगे कमेंट करके जरूर बोलना। तो ये सबसे मेरे वीडियो में दूसरा ड्रोन फुटेज होगा। तो बस सही है, और हम लोग बाइक्स वगैरह सब यहाँ पे हैं, अभी हम लोग फोटो सेशन करेंगे, फोटो वगैरह उठाएंगे, वीडियोस बनाएंगे। तो आपको मैंने दिखाया सी बीच, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बोलना। और ये सी बीच का नाम है पार्की, और बालेश्वर से जो है 20 किलोमीटर से आसपास होगा, और आपको अगर दिख रहा होगा रेड क्रेब्स भी है इधर बहुत सारे। ये देखो कितने सारे रेड क्रेब्स हैं, मतलब ओह माय गॉड। अभी हम लोग निकल रहे हैं सी बीच से, और अभी जाएंगे लंच करने के लिए, अभी टाइम हो रहा है 2:40, और हम लोग यहाँ पे आए थे लगभग वही ग्यारह साढ़े दस बजे की तरफ आए थे, और अभी हो रहा है 2:40, मतलब 3 बजने वाले, और अभी लंच करेंगे। और बस सही है, और वीडियो आपको अभी तक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बोलना। और अभी लंच करने जाएंगे, अगर हुआ तो वहाँ पे वीडियो बनाएंगे, वरना डायरेक्ट घर में जाके एंड करता हूँ वीडियो को। और बस आज के लिए बस यही था सी बीच में, और फोटोज और वीडियोस कैसे लगे कमेंट करके जरूर बोलना। और बस स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोज, और अभी तक आप लोगों ने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए और स्टे ट्यून फॉर सरप्राइज वाले वीडियोस। सो मैं घर में जो है पहुंच चुका हूं और लगभग मैं पहुंचा घर में 5:30 को और अभी वीडियो एंड कर रहा हूं क्योंकि वीडियो एंड करना मैं भूल गया था। तो बस आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बोलना और फिर मिलेंगे दूसरे किसी इंटरेस्टिंग वाले वीडियोस में। तब तक के लिए स्टे सेफ, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। जय हिंद।